हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्जरलैंड में, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं स्विट्जरलैंड की सब्जी मंडी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पे पूरी सब्जी मंडी लगी हुई है। और तो आज की वीडियो में आपको वही बताएंगे। तो स्विट्जरलैंड में भी सब्जी मंडी लगती है, और एक बहुत ही यूनिक बात यहाँ पे ये है कि सब्जी मंडी में जो सब्जियाँ मिलती हैं उनके रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सुपरमार्केट। मतलब अपने यहाँ से तो ये बहुत ही अलग है कि अपने यहाँ पे लोग यूजुअली सब्जी मंडी में तब जाते हैं कि भाई थोड़ा फ्रेश माल मिलेगा और सस्ता भी होता है, बट यहाँ पे उल्टा है बिल्कुल। यहाँ पे आपको सस्ता महंगा मिलेगा सब्जी मंडी में। यहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं वो बिल्कुल अपनी मतलब ताज़ा सब्जी यहाँ पे लेके आते हैं, तो आपको एकदम ऑर्गेनिक और फ्रेश माल मिलता है, इस वजह से शायद ये महंगा होता है। तो चलिए फिर आपको यहाँ की सब्जी मंडी घुमाते हैं और बताते हैं कि आलू प्याज टमाटर का वगैरह यहाँ पे क्या भाव होता है, कौन सी चीज़ें मिलती है, तो आपको दिखाएंगे। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे देखो ये कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, वैरायटी ऑफ, और ये पूरे फ्रेश है, बिल्कुल आज ही कट के आए होंगे, है ना। और यहाँ पे तो देखिए अपने बिल्कुल अपने यहाँ की मंडी जैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पे सारी अपनी सब्जियाँ मिल रही है। ये पम्पकिन वगैरह है यहाँ पे, ये 4 यूरो का है, 4 फ्रैंक्स का पर केजी। ये बीटरूट है, बीटरूट भी 4 फ्रैंक्स पर केजी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने यहाँ के जैसे ही है। और ये तो खत्म भी हो गए कॉलीफ्लावर। हाँ, कॉलीफ्लावर लगता है खत्म हो गई। फिर जो है 6.50 kg रेड कलर के है ना, ये तो मूली होती है, तो वो भी है। और ये जो प्याज का गीला प्याज, ग्रीन ओनियन जो होता है, ये है, ये इसका एक जो बंडल है वो है 2.60 francs में। देन यहाँ पे ये पत्ता गोभी है, ये पत्ता गोभी, और मूली, मतलब दो टाइप की मूली, ये भी मिलती है अपनी वाली और ये इनकी वाली होती है, मतलब रेड वाली। और ये जो है ये ऐसा डोम करके जो है, ये पत्ता गोभी है, कैबेज पर्पल कलर में, ये भी पत्ता गोभी है। यहाँ की गाजर देखे यार, ये गाजर का साइज है क्या है, ये छोटे छोटे पतले पतले। यहाँ पे रखे ये आलू और ये कैरेट एकदम फ्रेश दिख रहे हैं। आलू का प्राइस है 240 francs पर केजी। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है आज मिट्टी से मतलब निकाल के लाए होंगे। और ये है प्याज, और ये लहसुन जो है वो 2.2 kg। और ये पूरी ग्रीन वेजिटेबल्स रखी हुई है, ग्रीन के साथ साथ ये कुछ ब्राउन वेजिटेबल्स भी दिख रहे हैं। नहीं, ये लोग सलाद बहुत खाते हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पे सारे ग्रीन वेजिस वगैरह बहुत है, बहुत है। ये यहाँ पे कोरिएंडर और ये कोरिएंडर रखा हुआ है, ये देखो ये कोरिएंडर है, ये पुदीना रखा हुआ है। इसकी प्राइस है 2.40 francs में। और वो छोटी छोटी वो भी पत्ता गोभी टाइप है वो भी। पर यहाँ पे ना अपने यहाँ जैसा नहीं होगा कि आपको सब्जी लेंगे तो धनिया थोड़ा सा दे देगा करके, आपको यहाँ पे अलग से खरीदना ही पड़ेगा। हर एक के बंडल बने हुए हैं और उसको आपको पूरा बंडल ही खरीदना पड़ेगा, आप ऐसा इसको खुला नहीं खरीद सकते। और यहाँ पे ये ककड़ी रखी हुई है, और इसकी प्राइस है 2.30 francs में। और ये अपना बैंगन भरता बनाने के लिए बहुत का प्राइस है 7.5 francs पर किलो। और यहाँ पे ये एग्स रखे हुए हैं जो है 0.60 पर एग। एक अंडा 60 रैपन का, 60 रैपन का है, 50 रुपए। और यहाँ पे ये टोमेटोज, ये बड़े वाले जो अपने यहाँ जो मिलते हैं एकदम रेड रेड, और वो है वो मिक्स कुछ टमाटर। तो ये टमाटो है 5 फ्रैंक का पर केजी, और हम जो सुपरमार्केट में लेते हैं वो होता है लगभग 2.5 फ्रैंक का, मतलब ये डबल रेट है, ये 5 फ्रैंक पर केजी है। तो गाइज, हमने एक सब्जी का तो काउंटर आपको दिखा दिया है, अभी यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे सब्जी के काउंटर्स है जहाँ पे बहुत आलू बटाटे सब कुछ मिलेगा आपको। तो अभी कुछ अलग काउंटर पे चलते हैं, जैसे कि वहाँ पे दिख रहा है वो चीज का काउंटर, तो चलो वहाँ पे चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या होता है चीज में, किन कौन सी उसी वैरायटी होती है। हाँ, और यहाँ पे देखिए ये कितना बड़ा मार्केट है। वेंसडे और सैटरडे को ये मार्केट लगता है वीक में 2 बार, और इसका टाइमिंग है सुबह 6 से दोपहर के 12 बजे तक। अब यहाँ पे देखिए ये कितने सारे फ्लावर्स हैं, तो ट्यूलिप्स वगैरह, यहाँ पे फ्लावर कल्चर बहुत है, मतलब लोग फ्रेश फ्लावर ले जाते हैं और घर पे रखते हैं अपने।
पेटल्स है, रोज पेटल्स। और गाइस यहाँ पे ना सब्जी मंडी में देखिए ऐसे ट्रक्स भी होते हैं, तो ये जो काउंटर है ये मीट का काउंटर है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के मीट्स आपको मिलेंगे, चिकन भी होता है अपना, बीफ, लैम, सब कुछ होता है। और ये यहाँ पे आ गया चीज, चीज का काउंटर जिसमें कितने बड़े बड़े चीज रखे हुए हैं। ओह माय गॉड, इज ऑल आर चीज और कुछ मीट का भी है यहाँ ये, और दिस इज मोज़रेला चीज। और यहाँ पे ये पास्ता रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये टॉपिंग्स जो ऑलिव्स होती हैं, एवरीथिंग। यहाँ पे ऐसा बीफ का ये सिंबल निकाला है तो यही होगा, और ये पूरा फ्रेश रखा होगा यहाँ पे, जो मुझे तो नहीं समझता। तो गाइज अभी हम आए हैं फ्रूट काउंटर पे, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के यहाँ पे फ्रूट्स हैं, और यहाँ पे मतलब स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पे एप्पल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मतलब अपने यहाँ पे भी जैसे कश्मीर में आप जाओगे इंडिया में तो वहाँ पे भी एप्पल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वो ठंड रहती है तो वहाँ एप्पल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो वैसे ही स्विट्जरलैंड में एप्पल की प्रोडक्शन ज़्यादा है, और यहाँ पे बहुत ही फ्रेश एप्पल्स हमको दिख रहे हैं, तो हम दिखाते हैं आपको कैसे होते हैं। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, क्योंकि आज है सैटरडे, तो सब जन एकदम भीड़ हो गए, मतलब बहुत लोग आए हैं, बट स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं आपको अच्छा अच्छा दिखाने की। यहाँ पे ऐसे एप्पल का फ्रूट की प्राइस, और एप्पल फ्रूट बहुत सारी वैरायटीज हैं, और यहाँ पे रखे पियर्स में भी दो तीन वैरायटीज हैं, चार यहाँ पे है, चार फ्रैंक का पर केजी है पियर, हाँ ये 4 फ्रैंक पर केजी है पियर का, और यहाँ पे है ये ब्लूबेरीज। Are you speak English? A little bit. Okay, yeah. So, we want this. Yes. Two pieces. Yeah. Something else? No, no, no. Okay. How much? $1.90. So, like, this is simple. थैंक यू, तो या थैंक यू फॉर बाय। और ये है ऑरेंजेस जो हमने लिया अभी। तो गाइस देखा आपने यहाँ की कैसी होती है सब्जी मंडी, मतलब ज़्यादातर बोल सकते हैं अपने यहाँ पे जैसी ही है, यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है, और उसके बाद फ्रेश मीट वगैरह भी था, पोल्ट्री की चीज़ें, डेयरी की चीज़ें थी, जैसे अंडे वगैरह भी थे, और डेयरी का पनीर वगैरह अपने यहाँ जैसे मिलता है वैसे यहाँ पे भी चीज़ वगैरह बहुत सारी वेराइटी होती है। तो ये मंडी के यहाँ पे बाजू में ही यहाँ पे एक छोटा सा प्ले ग्राउंड जैसा भी है, जहाँ पे बच्चे खेल वगैरह सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सब्जी वगैरह लेने आए तो कोई पेरेंट खरीद सकते हैं, और बाकी दूसरे पेरेंट बच्चों के साथ यहाँ पे खेल वगैरह सकते हैं ताकि वो भी उनका टाइम पास हो जाएगा, और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे मंडी में, और क्लीनलीनेस भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा और क्लीन सराउंडिंग है। हर एक के पास स्पेसिफिक काउंटर्स वगैरह है या फिर टेबल वगैरह लगाए हैं, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपरली रेगुलेटेड होगा थोड़ा, तो सबके नाम पे अपने अपने स्टॉल्स होंगे, और वो प्रॉपर वहाँ पे अपना एरिया बना के वहाँ पे सामान बेच रहे हैं, तो नीचे वगैरह नहीं है, प्रॉपर अरेंजमेंट करी हुई है हर चीज़ के। और यहाँ पे देखिए ये फाउंटेन भी है, और हमने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड में आपको जहाँ पे भी ऐसे फाउंटेन्स दिखते हैं आप वहाँ का पानी पी सकते हैं, तो ये बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर है। मतलब ये जो एरिया है इसका नाम ओर्लिकॉन है, और ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा हैपनिंग प्लेस है, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उसके बाद शॉपिंग मॉल वगैरह भी है, काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स वगैरह है, तो हमने भी जब थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी होती है, कभी वैरायटी चाहिए होती है, तो हम यहाँ भी आते हैं। वैसे हमारे घर के पास भी एक मॉल है, ग्लैड मॉल, तो हम वहाँ भी जाते हैं काफ़ी बार शॉपिंग करने के लिए, और ये भी एरिया अच्छा है, और यहाँ पे काफ़ी इंडियंस भी रहते हैं, इंडियंस मतलब देसी लोग रहते हैं, तो हो सकता है मतलब बांग्लादेश से हो या नेपाल से हो, बट यहाँ पे जब घूमते हैं ना तो बहुत सारे दिखते हैं अपने देसी लोग।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।